इतना इतना रोड अगर चाइना बॉर्डर पे बंद करते तो चीन का जो अंदर घुस गया है ना चीनी सेना वो अंदर लड़ाने में घुस जाती पूरे देश के किसानों का ये जो आंदोलन चल रहा है ना उसको पूरा समर्थन है और महाराष्ट्र से खास करके आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब ने मुझे खास भेजा है यहाँ हम सबको टिकेट सबको मिलने के लिए कि हमारी पूरी ताकत शिवसेना सरकार आपके साथ है ये कहने के लिए मुझे भेजा है। मेरे साथ हमारे पूरे सांसद गण यहाँ और मुझे लगता है एक दो दिन में उद्धव ठाकरे साहब खूब बात करेंगे टिकेट साहब से। मांग करने से कुछ नहीं होगा, ये आंदोलन सड़क का है, सड़क पर रहेगा। सर इससे पहले विपक्ष नहीं था इधर से, ऑपोजिशन वाज नॉट हियर बिकॉज दे हैव गॉट एन एजेंडा। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये आंदोलन राजनीतिक आंदोलन नहीं है। सबको विरोध किया था कि कोई राजनीतिक पार्टी या दल यहाँ ना आए, किसी को मंच पर नहीं आने का था, आए हैं। और जब 26 तारीख के बाद जिस तरह से यहाँ दहशतवाद हो गया, यहाँ जिस तरह से सबको कुचलने की कोशिश की हमारे किसानों को, टिकेट साहब को, तो हमको लगा कि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है महाराष्ट्र के लोगों का कि उनके साथ खड़े रहे, उनको हमारी संवेदना दे और कहे कि पूरा राज्य, पूरी शिवसेना, उद्धव ठाकरे साहब और हम सब उनके साथ हैं, ये कहने के लिए मैं सिर्फ यहाँ आया। सर ये भी कहा जा रहा है कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव है ऐसे में पार्टी चुनाव लड़ेगी, साथ ही पश्चिम में किसानों का वर्चस्व है, ऐसे में आप यहाँ पहुँचे हैं? नहीं, हम यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, हम सिर्फ टिकेट साहब को समर्थन देने आए हैं। और मुझे लगता है देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि यहाँ आकर उनको समर्थन दे। हम उनके साथ है, हमारे महाराष्ट्र से हजारों लोग यहाँ आए बैठे हैं, संदीप गिड्डे जी यहाँ है, वो भी हमारे साथ है, तो जो निर्णय होगा उनके साथ हम रहेंगे। इतना रोड अगर चाइना बॉर्डर पे बंद करते तो चीन का जो अंदर घुस गया है ना चीनी सेना वो अंदर लड़ाक में नहीं घुस जाती। हालांकि इनका समय हम नहीं लेंगे क्योंकि वो बहुत ही कीमती समय है। आगे नहीं जाने दे रहे क्या? नहीं, क्या हुआ? रास्ता बंद कर दिया, पेशेंट है इसमें, मरीज। अब क्या करेंगे, किधर जाएंगे? अब ऐसे घूम के लेके जाने पड़ेगा। ठीक है, आप जल्दी से जाइए और यहाँ से रास्ता ढूंढ कर। चार दीवारी कर ली, किले बंदी कर ली दिल्ली की चार तरफ, कुछ जाओगे कहाँ आप दिल्ली में? और तार लगा दिए कटिले, जो तार प्रतिबंधित है, किसान अपने खेत में नहीं लगा सकता, लेकिन दिल्ली के चारों तरफ उसी तार उतर बाउंड्री वॉल कर दी। तो अपना शांति से अपना इसे आंदोलन को मजबूती से चलाओ, ये लंबा चलेगा, अभी नाच कर आवट है, लंबा चलाना पड़ेगा। अपने खेत पे भी नजर रखो और आंदोलन पे भी रखो, स्टैंड बाई में रखो 3 घंटे के, उसमें ये पुलिस कभी भी हरकत कर सके। तो धन्यवाद भाई, जय हिंद, जय भारत।